जाता है, भीतर की स्थिति नहीं इतनी विकृत होती है। एक बार हमारे में बहुत अच्छे मित्र थे, सर्जन डॉक्टर थे, आए दिन ऑपरेशन करते रहते थे, उनका काम ही यही था। तो मैंने एक दिन इच्छा प्रकट करी कि डॉक्टर साहब कभी हमको भी दिखाओ आप ऑपरेशन कैसे करते हैं, भीतर की हालत। बोले नहीं नहीं महाराज, मन खराब हो जाएगा, हम तो पक्के पड़ गए। हमने कि हम भी पक्के ही हैं, आप तो दिखाओ। तो हमारी पत्नी का ही जब ऑपरेशन होने वाला था बच्चे के जन्म के समय, आज तो मैंने कहा कि यही तो, बोले नहीं नहीं अपने अपनों का कभी ऑपरेशन नहीं देखना चाहिए, और ज़्यादा मन खराब होगा। मैंने कि भाई जब किसी का भी हो तो, उन्होंने एक बार दिखाया तो जो हालत देखने को मिलती है महाराज, ऑपरेशन को कहीं ठीक से देख लो, कहीं पोस्टमार्टम देख लिया, फिर तो कहना ही क्या है। बहुत विचित्र स्थिति होती है शरीर की। भागवत में तो वर्णन है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरी सयो, पूरा चित्रण तो किया है भागवत में। तो वर्णन करना अलग बात है, फिर दर्शन करना वो अलग बात है। तो वर्णन तो हमने भागवत में पढ़ा और दर्शन भी एक बार किया, तो भीतर की स्थिति कितनी विकृत है। और ऐसी उस स्थिति में भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भंगत हुए, शरीर से गर्भ में गए, और फिर जाके उस स्थान पर भगवान ने रक्षा करी। कल्पना करके देखिए, हम लोग तो केवल देखने से घृणा करते हैं भीतर की स्थिति को, और भगवान तो घुस करके भीतर गए और अपने भक्त की रक्षा किए। इससे ज्यादा भक्त वत्सलता और क्या हो सकती है। अपने भक्त के लिए तो गए, भगवान की अपनी क्या समस्या थी वहां जाने में, भक्त के लिए गए। और ऐसे परम भागवत परीक्षित को तुमने इतना भयंकर शाप दे दिया, बेटा छोटी सी भूल पर ठीक नहीं किया, बहुत डांटा फटकारा, पर अब क्या, तीर निकल गया कमान से। गौरमुख शिष्य को भेज करके सारी स्थिति से परीक्षित को अवगत कराया। परीक्षित को पता चला तो सर्वस्व त्याग करके माँ गंगा के तट पर पछतावा करते हुए आए, प्रायश्चित कर रहे हैं। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बहुत पछता रहे हैं महाराज परीक्षित के, मेरे पूर्वजों ने हमेशा संतों की चरण रज को मस्तिष्क से लगाया, मुझ पापी ने आज उस वंश में कलंक लगा दिया। हजारों महात्मा दौड़ दौड़ करके आने लगे, परीक्षित सबका आदर सम्मान प्रणाम दंडवत करते हुए एक ही प्रश्न पूछते हैं, मरने वाले को करना क्या चाहिए। महाराज संतों से चर्चा हो ही रही थी कि उसी वक्त तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभव अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, व्रतश्च वानै रवधूतवेश, व्रतश्च वानै रवधूतवेश, तत्राभव भगवान व्यास पुत्र अभवत। मानो आज भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होके आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की। ऐसे 16 वर्षीय परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी का दर्शन करके सभी संत खड़े हो गए।
परीक्षित ने आसन दिया, पूजन किया, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है, आप योगियों के परम गुरु हैं, बस इतना बता दीजिए हम जैसे म्रियमाण मनुष्य को करना क्या चाहिए, किसको ध्यावें, किसको गावें, किसको ध्यावें, क्या करें क्या ना करें, विस्तार से समझाएं। सुखदेव जी सुनते ही गदगद हो गए। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादेशो यः परः। बो नृप, अरे राजा परीक्षित, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, लोक हित के लिए किया है, क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं इस संसार में, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है। बुरो लगे चाहे नो नो जी, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, परंतु एक ना एक दिन जाना तो सबको पड़ेगा। कन्या कितनी भी लाडली क्यों ना हो मैया बाप की, परंतु जब सयानी हुई तो चिंता हो जाती है कब घर जाए, खुद ही ढूंढने में लग जाते हैं। ऐसे ही घर पर आप संसार के कितने भी प्यारे क्यों ना हो, परंतु जब बहुत सयाने हो जाते ना लोग, कितने साल हो गए बोले साहब, 126 साल के हो गए, शरीर की हालत बहुत खराब है, तो परिवार के लोग कहने लगे हे भगवान अब तो इनकी विदा हो जाए। तो जैसे बेटी सयानी हुई तो लाडली होने पर भी विदा करना पड़ता है, इसी में उसका हित है। ऐसे घर परिवार में संसार में आपके सबके कितने भी लाडले हों, परंत में जब बहुत उम्र होने पर विदाई तो सबको करनी पड़ती है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। बुरो लगे चाहे नो नो जी एक दिन गो नो नो जी, बुरो लगे चाहे नो नो जी एक दिन गो नो नो जी। गोना समझ गए ना, आजकल तो गोने की परंपरा विलुप्त होती जा रही है, शादी में ही सब कुछ हो जाता है, पहले शादी जल्दी होती थी, गोना कुछ दिनों बाद होता था, और असली विदाई बेटी की गोने में होती थी। एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आयले बउआ लौटत नैया, आयले बउआ लौटत नैया, लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया आयले बउआ लौटत नैया, आयले बउआ लौटत नैया। अरे चाहे तौल देओ सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, चाहे तौल देओ सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। सखी सहेली सब रह जाइए, सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह जाइए, सहेली सब रह जाइए, सब रह जाइए यहाँ सब रह जाइए, सब रह जाइए यहाँ सब रह जाइए। और बादिन सब को रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, बादिन सब को रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे जाए नोनो जी एक दिन गोनो कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। अब ले चल हो नो जी रो लगे चाहे नो नो जी, ले चल हो नो जी एक दिन गोनो। अरे बुरो लगे चाहे नो
राखो रोनो जी, अरे चाहे तोल दो सोनो जी, चाहे तोल दो सोनो, अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, जाना सबको पड़ता है। कि तो पैसा टका दे करके वहां पर भी रिश्वत चल जाती ना, तो बड़े बड़े करोड़पति फिर जाते ही नहीं, परंतु वहां रिश्वत नहीं चलती है। रंक होए चाहे नाक, जाना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित, जाना सबको है पर जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। अरे बिटिया को जब विदा किया जाता है ससुराल में, ऐसे नहीं चली जाती, सालों पहले से तैयारी करनी पड़ती है दहेज की, तब जाके विदा होती है। खैर कन्या की भी बात छोड़ दो, हम भी कहीं जाएं, अरे भाई मथुरा जा रहे हैं तो साइकिल उठाओ चले जाओ, कोई परेशानी नहीं, पास की यात्रा है। लंबी, जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी होती है। बम्बई जाना है तो भाई रिजर्वेशन कन्फर्म कराना पड़ेगा, और विदेश जाना है तो महीनों पहले से तैयारी। कितने महीनों पहले से प्रसंग चल रहा है, जाएंगे हम लोग 6 जून को विदेश, और उसकी भूमिका महाराज महीनों पहले से चल रही है। सब बीज आदि का प्रबंध अपनी अपनी मंथर गति से चलता है, एकदम फटाफट नहीं चले जाती कोई विदेश, पूरा उपक्रम चलता, बड़े प्रपंच होते हैं महाराज। पर एक यात्रा ऐसी है जहां एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, वहां पर अपनी इच्छा से काम नहीं चलेगा। हम लोग तो ज्यादा प्रपंच होता तो कहते थे भैया जो बुलाते उन्हीं से कहते हैं तुम ही व्यवस्था करो, जरूरत हो तो बुला लो, नहीं तो अपना आराम, तो यहाँ काम कुछ बढ़िया चल रहा है, जरूरत नहीं। कभी उलझन ज्यादा होती है कह देते हैं तो वो अपने आप ही वो व्यवस्था करते हैं। पर उस व्यवस्था में जहां जाना ही पड़ेगा अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा, और हम लोग तैयारी के नाम पर कुछ भी, बड़ा अपने अपने मस्ती में मस्त हैं। पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं कि कितने लोग चले गए, कितनों को तो अपनी कंधे पर ले जाके पानी घाट पहुंचा दिए, देख रहे हैं समझ रहे हैं, उसके बाद भी अपनी तैयारी कोई नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए परीक्षित, जो इस मौत के आतंक से मुक्त रहना चाहे उसे बस एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिनीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यचेच्छताभयम्, स्मरतव्यचेच्छताभयम्। हे भारत परीक्षित, जो भगवान सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे उस परम ईश्वर का आश्रय ग्रहण कर लो, उनसे अपना संबंध बना लो, मौत का भय अपने आप भाग जाएगा। संबंध कैसे बनाए? श्रोतव्य, उनकी महिमा का श्रवण करो, जब महिमा का बोध हो जाए तो कीर्तितव्य, उनकी महिमा का गान करो, वर्णन करो, और जब सुनने सुनाने वाला कदाचित कोई ना मिले तो शांत बैठ करके स्मरतव्य, चुपचाप अकेले में बैठ कर स्मरण करो, उनका ध्यान करो अकेले में बैठ कर। ध्यान कैसे किया जाता है? बोले ध्यान में सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधान दिया। जितासन होना चाहिए, प्राणायाम के अभ्यास से जितश्वास होना चाहिए, संसार में असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए, और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। 4 बातों का अभ्यास करके फिर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान 2 प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म ध्यान बाद में लगेगा, पहले स्थूल ध्यान करो। स्थूल ध्यान क्या है? ये जितनी भी हरी भरी हरियाली है, ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है, ये जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं भगवान की हड्डियां हैं, ये जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं,
और जो भी आपको सुंदरता दिखाई पड़े, जो मन को खींच ले, सुंदरता को देखकर मन खिंचता है, तो जो सुंदरता से मन खींचे वही भगवान की मुस्कान मुस्कुराहट माया के रूप में है जो सबका मन हर लेती है। हासो जनोन्माद करी च माया। और इस प्रकार सारी सृष्टि में ही उस परमात्मा की दृष्टि रखना चाहिए। सिय राम मय सब जग जाने, सिय राम मय सब जग जाने, सिय राम मय सब जग जाने, संसार को अपने राममय देखो, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो, ये स्थूल ध्यान है। फिर सूक्ष्म की ओर जाओ, किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए वो बतलाया, पर निष्काम हो या सकाम, भगवान श्री हरि सबके वंदनीय है। हरि की उपासना तो सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि मानव शरीर उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। वासना तो प्रत्येक शरीर में पूर्ति की जा सकती है, कामनाओं की वासनाओं की पूर्ति हर शरीर में संभव है, पर उपासना का जो रूप है वो केवल मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य शरीर में सिर्फ वासनाओं के पुतले बन के न रहें, उपासना में या शरीर का विनियोग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। भगवान इस संसार का सृजन कैसे करते हैं, जब परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा, तब सुखदेव जी ने पहले गोविंद का स्मरण किया। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी दानी मानी क्यों ना हो, पर क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, जब तक भगवान में समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका क्षेम माने कल्याण कभी नहीं हो सकता। जब कितना भी उच्च कोटि का साधक बन जाए, साधन में अभिमान आ जाता है, और अभिमान से बचने का ही कई उपाय है कि भगवान को समर्पण कर दो। जब मैं रहेगा ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, तो अभिमान आएगा कहां से। ठाकुर जी की जाय भी दे राखे राम, कोई उपलब्धि हो रही है। तोता यद बहुत अच्छा बोलता है, कई तोता ऐसे होते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो उसमें तोता की विशेषता नहीं, सिखाने वाले की विशेषता है, जिसने उसे सिखाया, प्रशिक्षित। प्रशिक्षण में चमत्कार है कि कुत्ता भी कितना कमाल का काम करने लग जाता है, शेर भी, हाथी को भी सर्कस में लोग क्या बढ़िया बढ़िया कार्य करने में कुशल बना देते हैं, घोड़ा भी नाचने लग जाता है। तो ये प्रशिक्षक का चमत्कार है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई घोड़ा नचा रहा है, ये तो वो तो पशु था। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, भक्त भी अपने आप को भगवान का क्रीड़ा मृग बना देता है। आप जैसे चाहो वैसे नचाओ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कठपुतली नचाता है ना, कभी कठपुतली का खेल आपने देखा हो पुराने जमाने में, अब तो खत्म हो गया। तो कठपुतली नहीं नाचती, कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार होता है जो धागों के बल पर उनको नचाता है। नाचती हुई कठपुतली दिखाई पड़ती है, पर नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, वो पर्दे में छुपा रहता है।
मंच पर तो नाचती पुतली नजर आती है, लोग पुतली की प्रशंसा करते, क्या बढ़िया ठुमका मार रही थी। वो क्या ठुमका मारेगी भाई, वो तो जड़ है, नचाने वाला छुपा है। ऐसे ही उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की ऐसी कठपुतली की तरह हम सबको नचा रहे हैं। तो यदि हम बढ़िया नाच रहे हैं, यानी बढ़िया कथा कह रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, तो ये तो उस नचाने वाले का चमत्कार है जिसने हमको कंठ दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, विचार दिया, तो हमने काम किया। यदि उसने कृपा न की होती तो मुंह कम करोति वाचलम कैसे हो पाते, एक शब्द नहीं बोल पाते। पर यत कृपा, जिसकी कृपा से ये वाणी बोल पा रही है, जिसकी कृपा से हम सब याद कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, ये सब उसकी कृपा का कमाल है। और जब उसकी कृपा को हम देखते हैं तो वो सूत्रधारी भी बड़ा खुश होता है, वो और बढ़िया नृत्य करवाता है कि ये पुतलिया बहुत बढ़िया नाचती है। और जब हम अपने अकड़ में आ जाते हैं, देखो हमारा नाच, सो वो तार ढीले कर देता है। और जहाँ तार ढीला हो गया सो नाचना फीका, फिर क्या नाचेगी पुतली अकेली, क्या नचेगी या तार, उसने धागा ढीला कर दिया तो। तो जो बहुत अहंकार में आ जाते, मैं विद्वान, गीता भागवत रामायण सब कंठस्थ, जय जयकार करने लगे, बड़े महान विद्वान हैं, महान संत हैं, और इतने में भगवान ने तार ढीला कर दिया दिमाग का, सो गाली देने लगे, उठपटांग बातें करने लगे, जो हाथ में लगा सो उठा के मारने लगे, सो जो जय जयकार करके महाराज जी की पूजा कर रहे थे वो पकड़ करके जकड़ करके पागल खाने में भर्ती करे। इनको क्या हो गया, बोले थोड़ा ढीले हो गए, न जाने एकदम बोलते बोलते क्या हो गया। आरती पूजा करने वाले जेल खाने माने पागल खाने में भर्ती करे। कितनी देर लगी, मसक ही कर रहे बिरंज प्रभु अजह मसकते ही, कृपा कर रहे थे तो जहां हाथ रख दो वो आश्रम अपना बन गए 425। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और जब कृपा का करंट हट गया, तार ढीला पड़ गया, तो एक मिनट में सब जैसी आराम हो गया, कुछ नहीं बचा। तो मतलब यह है, इसलिए कृपा के करंट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, कभी ये अहंकार न करे कि हम कुछ है। क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पणम तस्मय सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी भी स्वयं कहते हैं, सोलंग कृशिष्ट भगवान बचांसी में, सुखदेव जी जैसे परमहंस कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं, वही परमात्मा आज मेरी वाणी को अलंकार प्रदान करें ताकि मैं कुछ बोल सकूं। बताओ, साक्षात व्यास जी के बेटा सुखदेव जी परमहंस बीतराग, वो कहते हैं सोलंग कृशिष्ट भगवान बचांसी में, वे भगवान मेरे वचनों को अलंकार प्रदान करें, मुझको वाणी में शक्ति प्रदान करें ताकि आज मैं कुछ बोल सकूं, उनकी महिमा का वर्णन कर सकूं। जब सुखदेव जी व्यास जी के बेटा कहते हैं कि मैं उनकी कृपा से ही बोल पाऊंगा, तो हम और आप किस खेत की मौली हैं जो नेक दो चार श्लोक याद करके हम अहंकार करें। इसलिए अहंकार बहुत खतरनाक होता है, ये भगवान की कृपा से दूर कर देता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यह स्मरण रहना चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी ने बहुत सुंदर सृष्टि की व्याख्या विस्तार से बतलाई, सृष्टि बारे में कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने की इच्छा की प्रकट करी तो चतुरानन हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने जब कुछ भी अपने कारण को नहीं समझ पाए कि मेरे को किसने पैदा किया, कमल नाल में प्रविष्ट होकर के अन्वेषण करते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तब ब्रह्मा जी के कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया
और तप के प्रभाव से श्री हरि का दर्शन मिला और श्री हरि ने चार श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया गया, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया गया, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन हुआ। अहमेवा समेवाग्रे नानयद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इसको कहते चतुश्लोकी भागवत, इसका नित्य पाठ करना चाहिए और इसके शब्द एक एक अक्षर के मर्म में प्रविष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। कल हमको जन्म महोत्सव मनाना है ठाकुर जी का, इसलिए अब थोड़ा समास विधि से ही चल रहे। इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तृतीय स्कंद में सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र सुनाया कि जिन विदुर जी महाराज ने, बोल बंसी वारे की जय। विदुर जी महाराज बड़े विद्वान हैं, धर्म के अवतार हैं, परंतु कौरव पक्ष में थे और कौरव पक्ष में धर्म की उपेक्षा थी, इसलिए विदुर जी की अवज्ञा हुई। विदुर जी को जब पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया, वो तो तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, पता लगने पर उद्धव जी के द्वारा ये सब जानकारी मिली और उन्हीं के द्वारा जानकारी मिली कि भगवान भी अपने धाम को चले गए, पर जाते जाते मुझे उपदेश दे गए जो मैत्री मुनि ने भी सुना था। तुम यदि सुनना चाहो विदुर जी तो मैत्री मुनि के पास जाओ। तब विदुर जी मैत्री जी के पास आए और मैत्री जी से उनका संवाद प्रारंभ हुआ। मैत्री जी से सृष्टि विषय का प्रश्न किया तो जो अभी अभी आप सुने थे वह विस्तार से सृष्टि पद्धति को मैत्री जी ने विदुर जी को बताया। ये भगवान जब ब्रह्मा जी को प्रकट किए तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके फिर भगवान का उपदेश प्राप्त किया और सृष्टि का विस्तार किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प से चार ऋषियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, पर चारों ने हाथ खड़े कर दिए, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तुम भी सृष्टि करो तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी पैदा कर डाले। ब्रह्मा जी बोले बस बेटा हो गई सृष्टि, तुम शांति से बैठो। अब क्या करें, पहले बच्चों ने मनाही कर दिया, दूसरे ने ऊटपटांग सृष्टि कर दी, अब कैसे सृष्टि का विस्तार हो। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम जी। परंतु ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हो रहे, संकल्प से संसार कैसे चलेगा। तो अब की बार वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनसे जिनके नाम हुए मनु शत्रुपा। बोले तुम दोनों मिलकर अब मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष से संयोग की जो सृष्टि प्रारंभ हुई है वो मनु शत्रुपा से हुई। सृष्टि तो पहले भी हुई, उसके पहले जो सृष्टि थी वो संकल्प की सृष्टि थी, आयोनिज थी। अब मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई तो 3 बेटी 2 बेटा हो गए मनु शत्रुपा से। आकुति देवभूति प्रसूति 3 बेटी और प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए। एक दिन मनु महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से कि सरकार एक समस्या आ गई। क्या? बोले धरती का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया तो बिना धरती के सृष्टि कैसे टिकेगी। ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, ध्यान करते ही छींक आई और छींकते ही नासिकारंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की। भगवान वराह देव ने जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। तब